अमरावती राजधानी अयिन मन गुंटूरु श्री अय्यप्प रियल एस्टेट अंड कन्सल्टेंसी वारी आध्वर्यंलो केवलं 25 लक्षल नुंची प्रारंभं ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు బెడ్రూమ్ల ఫ్లాట్లు అమ్మబడును. 100 గజాలు 200 గజాలు 300 గజాల ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అమ్మబడును. మరిన్ని వివరాలకు 9676972691 మరియు 888-555-9867 కు సంప్రదించండి. Easy access to Tena Ring Road Phase 1 and easy access to Amravati Road. With walking track ready with children's play area. It has 3 blocks. 2 blocks are ready to in 3rd block and clubhouse construction is in progress. Available flat sizes 2 BHK with 1200 SFT and 1225 SFT, 3 BHK with 1500 SFT and 1530 SFT. Amenities include clubhouse, solar finishing, car wash area, open theater, swimming pool, meditation hall, children's park, function hall. Price 3,600 per SFT. Plus amenities charges include 100 per SFT. It is beside Chaitanya College, Karunla. Easy access to Venkateswara Swami Temple. Cine Square Theatre is 2 minutes away by car. For inquiries, contact 9989484831. प्रवक्ता माननीय राजवर्धन सिंह राठौर जी हैं, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा जी हैं. मेरा विनम्र निवेदन है माननीय राजवर्धन राठौर जी से कि आपको संबोधित करें. राठौर जी, सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार. आप सबको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है. स्वस्थ रहें, खुश रहें और पूरे देश को जागरूक रखें. और उसी सिलसिले में आज जो हमारी प्रेस वार्ता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है. इस देश के अंदर देश का कानून चलता है, लेकिन राजस्थान के अंदर एक अंधा कानून चलता है. के देश के जो क्राइम के आंकड़े हैं उसके अंदर राजस्थान अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 स्थान पर है. महिलाओं के ऊपर क्राइम पर नंबर 1 स्थान पर है. दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, उसमें नंबर 2 से नंबर 1 के स्थान पर जा रहा है. राजस्थान की सरकार का एक ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य के कारण यह सब हो रहा है, सत्ता में बने रहना. चाहे कुछ भी हो जाए राजस्थान के अंदर, सत्ता में बने रहना उनका जो एकमात्र लक्ष्य है. उस कारण से उन्होंने सबको छूट दे दी है, सबको ढील दे दी है. और एक ही टेस्ट है, वो है लॉयल्टी टेस्ट. कि मुख्यमंत्री जी के साथ लॉयल्टी रखिए, उसके बाद अपने क्षेत्र में खुली छूट से जो कुछ भी करिए. और उसी कारण से ये हालात नीचे तक पहुंच गए. ये आंकड़े भाजपा के नहीं है, ये आंकड़े देश के हैं. और अभी तो लेटेस्ट आंकड़े आए नहीं, लेकिन उससे पहले भी मैं बता देता हूं कि 2020 तक 50% वृद्धि हुई है
महिला अत्याचार के जो केसेस हैं उनके अंदर। अलवर जिले के अंदर ही पिछले 15 दिनों में 7 गैंगरेप हुए हैं। मुझे शर्म आती है शब्द भी इस्तेमाल करते हुए, लेकिन असलियत जनता तक पहुंचे ये निहायत ही जरूरी है। इनके जो लीडर हैं वो अपने महलों, काल्पनिक महलों में रहते हैं, किताबों से पढ़ के बातें बोलते हैं, जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जहां पर अनैतिकता की आंधी आती है वहां पर मंद गांधी महात्मा गांधी के पीछे हो जाते हैं। राजस्थान में इनकी कोई नहीं सुन रहा, कोशिश करी ऐसा नहीं। माकन गए, पांडे गए और गए वेणुगोपाल, पूरे दिन लगी बड़ी बड़ी चौपाल, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की सरकार में नोटों के आगे कुछ नहीं चलता और पीड़ित, शोषित, वंचित इनकी कोई नहीं समझता। और इसी कारण से एक के बाद एक वहां पर ऐसे घिनौनी करतूतें हुई हैं, और मैं आपको आप ही के द्वारा जो लिखी हुई खबरें हैं वो दिखा रहा हूं। 38% इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और मैं तो उसी क्षेत्र से आता हूं तो मैं आपको बतला देता हूं, जो उनका बचाव है कि हमने केस करना आसान कर दिया, ऐसा नहीं है। केस करने के लिए भी वहां पर जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ता है। 6 महीने में दुष्कर्म की वारदात 30% बढ़ गई, पिछले 30 दिन में ही 550 केसेस आए, पिछले 30 दिन के अंदर 550 केस। एक भूखी महिला जो खाना मांग रही हो उसके साथ में लॉकडाउन में रेप होता है। जयपुर में छत पे कपड़े सुखाने गई एक लड़की को उठा के ले जाते हैं। आप राजस्थान आए तो बस स्टैंड पे खड़े मत होइएगा अकेले, क्योंकि अलवर में उठा के ले गए। अपनी गाय को चराने के लिए कोई जाती है तो उसको उठा के ले जाते हैं। ये गैंगरेप्स हैं सारे। राजस्थान के लिए कानून अलग है क्या? और जब सवाल करने नौजवान जाते हैं तो उनको इस तरह से पीटा जाता है। केवल 2020 के अंदर 13,750 दुष्कर्म, केवल 2022। इफ 2022 वॉज अ ब्लैक ईयर फॉर ऑल ऑफ अस, इमेजिन व्हाट हैपेंड इन राजस्थान। 13,750 रेप केसेस एंड वी आर लीडिंग, अनफॉर्चुनेटली। इट्स द रॉन्ग कॉम्पिटिशन वी आर विनिंग इन राजस्थान, इन ऑल बिकॉज द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान हैज गिवन अप, एब्जुकेटेड इट्स मैंडेट टू गवर्न। दे हैव ओनली वन ऑब्जेक्टिव, रिमेन इन पावर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस। एक के बाद एक घटनाएं हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा, और एक से एक बर्बर घटनाएं हैं, एक एक तारीख की है, एक एक तारीख की घटनाएं हैं। लॉ अप्लाइज डिफरेंटली इन राजस्थान इट सीम्स। जो कानून है वो देश का, उसको अलग ही ढंग से अप्लाई करा जाता है राजस्थान के अंदर। हत्या किसी की भी हो और कोई भी करे, उसके बाद न धर्म, न जाति, न वर्ग, कुछ समुदाय, कुछ नहीं देखा जाना चाहिए, यह देश का कानून कहता है। और मीडिया में हल्ला भी होता है, सही होना चाहिए। लेकिन 1 जुलाई को एक
कृष्ण वाल्मीकि नामक व्यक्ति की सरियों से और डंडों से मार मार के हत्या कर दी गई, और अभी तक उसके मारने वालों की जो पहचान हुई है किसी धर्म से मैं नहीं मानता, वह है कुरैशी, रईस, इमरान, सोहेल, शाहिद, अख्तर अली, लेकिन सन्नाटा है, कानून काम नहीं कर रहा। और मैं फिर से दोहराए देता हूं, ना आतंकी घटनाओं की ना इस तरह की जो इनह्यूमन एक्शंस है इसके अंदर कानून को काम करना चाहिए खुलकर, इसीलिए पुलिस को वर्दी दी गई है और इसीलिए सत्ता में सरकार को बिठाया है राजस्थान की, लेकिन सन्नाटा है। प्रश्न यह उठता है कि सन्नाटा क्यों है, क्या यह राजनीतिक कारणों से है, क्या यह उनके वोट बैंकों की वजह से है, उनके जो लीडर हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खूब लंबी लंबी ट्वीट लिखते हैं, उनको दिखाई क्यों नहीं दे रहा। हमें परवाह नहीं है कि उनको दिखे या ना दिखे, लेकिन उनको जहां जिम्मेदारी दी है, जिस सरकार की जिम्मेदारी दी है, जिस राज्य की जिम्मेदारी दी है, उस राज्य के अंदर अपना दायित्व तो निभाएं। जब तक संवैधानिक तरीके से वहां पर हैं, इट इज इंपेरेटिव दैट दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस कंट्री एंड अप्लाई इट सो दैट एवरीबॉडी इज सेफ। और क्योंकि जनता सुरक्षित नहीं है, यह हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म बनता है कि हम इस बात को आपके सामने दम खम करके उजागर करें कि ताकि आपकी कलम से इस देश की जनता जागरूक हो और देखे किस तरह से अंधा कानून राजस्थान के अंदर चल रहा है। मैं आंकड़ों में जाऊंगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो वो एक एक गैंगरेप मात्र आंकड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। आप उस शरीर के अंदर घुस के देखिए, आप उस अंतरात्मा के अंदर घुस के देखिए, उस बच्ची के जीवन का देखिए जिसके साथ ये सब हो रहा है और बार बार हो रहा है। खुद को 5 सितारा होटल के अंदर बंद कर लेते हैं, चारों तरफ से कई घेरे लगते हैं पुलिस के, ताकि ना अंदर वाले बाहर जा पाए ना बाहर से सिग्नल अंदर आ पाए, लेकिन जनता की सुरक्षा एक नाम की नहीं। ये कौन सी सरकार है? ऐसी सरकार तो हमने नहीं देखी कभी, और ये सरकार हटेगी वहां से, निश्चित तौर से हटेगी, क्योंकि जनता देख रही है इसको। लॉकडाउन में जब पूरा देश कोरोना से युद्ध लड़ रहा था, उस समय राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान की बच्चियां सिर्फ कोरोना से ही नहीं अपने आप को बचा रही थी, बल्कि इन हैवानों से भी अपने आप को बचा रही थी, क्योंकि इनको बचाने वाली वहां जो सरकार है वहां कान नाक बंद करके बैठी हुई थी। धन्यवाद। साथियों, आपके बीच में जिस तरीके से डिटेल में राजवर्धन जी ने राजस्थान में क्या हालात हैं इसके ऊपर आंकड़े भी दिए, और किस तरीके से महिलाओं की बेटियों की कोई सुनवाई नहीं है, इस पर जरा दो चीज मैं भी बोलना चाहूंगी। देश में मैं भी बेटी हूं, नागरिक हूं, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब भी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आती है तब कहते हैं कि ये जो कांग्रेस मॉडल नहीं है, ये बलात्कारी मॉडल है, ये कांग्रेस कल्चर है। आज अगर आप जाके राजस्थान में पूछेंगे तो इसको कांग्रेस कल्चर कहा जाता है, किसी भी बेटी से किसी भी घर से पूछ लीजिएगा। ये वो सरकार है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसके कार्यकाल में भवरी देवी कांड भी हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये वो सरकार है आज की, गहलोत जी की। जब सीकर और बरान के मामले आए थे तो मुख्यमंत्री खुद और उनके एक विधायक आगे होके कहते हैं, अरे कोई दुष्कर्म का मामला नहीं है, बेटी तो अपनी मर्जी से गई थी। और विधायक कहते हैं, अरे प्रेम किसी संबंध में लिप्त थी, अपनी मर्जी से गई थी। जांच पड़ताल इंसाफ तो दूर की बात है, लड़की के चरित्र के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं,
क्या उनसे सवाल नहीं किए जाने चाहिए? अगर मुख्यमंत्री बेटी को ही गलत मान रहे हैं तो पुलिस क्या काम करेगी? मैं बताती हूं, भली भांति याद है कि एक बहुत ही लाचार परेशान बाप ने अपने आप को जिंदा जलाया था, इतना बड़ा कांड हुआ, तब जाके कांग्रेस के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी की आंखें खुली, चलो भैया राजस्थान में भी बेटी है, भारत की बेटी है, आप लोगों ने प्रेशर किया तो वहां गए। मैं पूछना चाह रही हूं आपसे ना, हाल के कुछ तीन किस्से मैं आपको बताऊंगी, ये पुराना मामला था, आगे सुनिएगा। जयपुर में एक महिला 35 वर्षीय इंसाफ ना मिलने पे विशाली नगर थाने के सामने जाके आत्मदहन करने की कोशिश करती है। जून 2021 में, अभी पिछले महीने की बात है, एक लाचार बाप भरतपुर के अंदर इंसाफ ना मिलने पे अपनी बेटी के लिए कह रहे थे दुष्कर्म हुआ है, पुलिस नहीं मान रही थी, आत्मदहन करने की कोशिश करते हैं। 15 साल की बिटिया दौसा के अंदर दुष्कर्म से प्रताड़ित दम तोड़ देती है। एक अहम सवाल कांग्रेस और उसकी लीडरशिप के लिए मेरा यह है, जो उत्तर प्रदेश में हाथरस के रस्ते में घास ढूंढ रहे थे लेटने के लिए, प्रदर्शन के लिए थोड़ी सी फोटो अप चाहिए थी, बरान, सीकर, दौसा, भरतपुर, अलवर, जयपुर, इन सब बेटियों के लिए क्या राजस्थान में रेत ढूंढेंगे फोटो अप के लिए? जो भाई बहन गाड़ी के अंदर बैठ के हंसते खिलखिलाते पिकनिक मनाने जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, कभी ये सोचा है कि वहां की बेटियों के ऊपर क्या बीत रही है? ये बहुत अहम सवाल है जो आपके द्वारा, हम ये आशा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप जरूर इसका जवाब देने की कोशिश तो करेगी कम से कम। धन्यवाद। आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। अभी राजस्थान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, बाद में अन्य प्रश्नों की ओर ध्यान जाएगा। मैंने जो बात कही उसमें ये बात स्पष्ट है कि कहीं पे भी हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन इफ यू से दैट सो एंड सो एंड सच एंड सच एंड सच इंसिडेंट हैपेंड समवेयर, सो लेट अस फॉरगेट अबाउट इट, देन माय फ्रेंड वी ऑल आर इन बिग ट्रबल। ये कांग्रेस की राजनीति रही है जब से कांग्रेस इस देश का शासन कर रही है, तब से डिवाइड एंड रूल में विश्वास रखती है। जमीन पे स्तर पर उतर के काम न करना, लेकिन अपने दफ्तरों में, अपने घरों में बैठकर किस तरह से इस देश में अलग अलग डिवाइड करना, और मात्र डिवाइड कर देने से वोट पड़ जाना, ये राजनीति तो उनकी रही है। प्रश्न यही उठता है कि आज भी 21वीं सदी के अंदर जब 400 से ज्यादा मीडिया, न्यूज मीडिया कंपनीज हैं, चैनल्स हैं और सोशल मीडिया, उसके बावजूद भी क्या वो उसी अपने एंशिएंट थॉट प्रोसेस में है, अपनी पुरानी दकियानूसी सोच में अभी भी घुसे हुए हैं? बड़े बड़े भारी भारी बार बार गिरे हैं और ये आगे भी गिरते रहेंगे, इसी कारण से कांग्रेस का हाल ये है। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। നമസ്കാരം, CMTV ന്യൂസ് കേസ് സ്വാഗതം. സ്വരം മീതി സമരം മാതി.